Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Saad, and Zishu. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you're the bell icon that you never miss new videos. So right now, we are going to react on Corona conversation with your dad. ठीक है, ये वीडियो है, क्या कर रहा है? I'm on mood. On mood के चाची उधर देख. सही हो जा. ये वीडियो TVF की तरफ से है, इसमें... Total waste. फीचर नहीं जी, TVF है, टोटल वेस्ट TVF, वो भूल गया मैं, वायरल फीवर. हाँ, वायरल फीवर, तो द वायरल फीवर, द वायरल फीवर. हाँ, अच्छा, खैर, इसमें है, क्या नाम है, जीतू है और गजराज जी हैं. जीतू, तूने वो देखी है ना मूवी? देखी. कौन सी बता? जीतू भाई. शुद्ध मंगल ज्यादा सावधान. ज्यादा सावधान, उसमें जीतू था और बाप का रोल भी इन्होंने किया था, गजराज जी ने. ये दोनों ना TVF के लिए बनाते हैं एक सीरीज, बाप और बेटे की कन्वर्सेशन. यानी कि कोई भी मसला होता है ना, तो बाप अपने बेटे को फोन करके उससे हेल्प लेता है. Okay. तो अभी ये कोरोना कन्वर्सेशन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है. सो लेट्स फादर डू माय टू लेट जंप इनटू द वीडियो. डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर डालने से वो नहीं आते कॉपीराइट्स पे आते हैं फिर डाल दें. हेलो. हाँ पापा, नमस्ते. पापा क्या कर रहे हो? वही होगा, अपना भुजंगासन. पापा वीडियो कॉल किया मैंने. बस योगा की तैयारी चल रही है बेटा. पापा अभी तैयार होके क्यों खड़े हो? और ये हॉल का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? नहीं, तैयार नहीं बेटे, बैग तो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, पसंद है मुझे. और ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, बड़ा हवा थोड़ी दबी दबी से हो गई थी इसलिए. पापा पहले आप अंदर जाओ, ठीक से फोन को सेट करो, फिर बात करते हैं. ठीक से अंदर जाओ पहले आप. जीतू की आईफोन से बनी हुई है वीडियो और ये हल्के फोन से बनी हुई है. फर्क बहुत चल रहा है. हाँ जीतू बोल. पापा सच सच बताओ, आप बाहर जाने वाले थे ना? नहीं बेटा, इमरजेंसी सिचुएशन है. चड्ढा की वाइफ मायके गई है, वो बिल्कुल अकेला है बेचारा, बहुत ज्यादा बोर हो रहा है वो. पापा पागल हो? पापा कोरोना वायरस फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, पूरा देश लॉकडाउन है. प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के विनती की है कि कोई सड़कों पे ना निकले, घर में रहे. अरे तो भैया मुझे रोड पे जाने की जरूरत क्या है? पिछली गली से दीवार फांद के जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा. चार घर छोड़ के तो है चड्ढा घर. पापा चार हो या दो घर हो, आपको अपने घर से नहीं निकलना है. ऐसे हर कोई चार घर समझ के निकलने लग गया, सड़क पे भीड़ हो जाएगी ना, फिर क्या फायदा निकला? दो मिनट तो लगेंगे, चट निकलूंगा, पट पहुंच जाऊंगा. उसी दो मिनट में कोई और भी निकला और वो इन्फेक्टेड हुआ तो? इतना न्यूज पढ़ते हो आप, इटली यूएस में वायरस पागलों की तरह फैल रहा है, देखा नहीं है क्या आपने न्यूज में? अरे बेटा वो तो उनकी कंट्रीज में बहुत ऊटपटांग खाना खाते हैं, इसलिए कोरोना शोरोना उनके घरों में घुस रहा है. हम लोग तो शुद्ध पौष्टिक खाना खाते हैं, देखना कुछ नहीं होगा हमें. अच्छा, और इतने इंडियंस को जो हो रहा है वो, उन लोगों ने तो कभी खाया नहीं होगा पौष्टिक खाना, है ना? अरे उन सबको इन दूसरे देशों से ही तो बीमारी मिली है ना. चड्ढा को देख, उसको कहां से कोरोना वायरस हो जाएगा? उसके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है. उसके खानदान में इटली छोड़ इटारसी से आगे तक कोई नहीं गया है. अरे पापा पर चड्ढा अंकल मार्केट तो गए होंगे ना, क्या पता वहां कोई इन्फेक्टेड आदमी हो और उसके कांटेक्ट में चड्ढा अंकल आए हो तो. सुन, अच्छा मान ले उसको वायरस हो भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 25 ग्राम कलौंजी और 10 ग्राम मुलेठी पीस के दूध मिला के पी लेगा, रात भर में ठीक हो जाएगा. क्या दूध मिला के पी लेंगे, क्या हुआ बताओ? इतना एडवांस बनता है, लेटेस्ट न्यूज पता ही है. तेरे रतलाम वाले सुरेंद्र मामा है ना, उनका व्हाट्सएप आया था, वहां पे एक वैद्यराज है हकीमुद्दीन जी, उन्होंने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है. कलौंजी और मुलेठी पीस के दूध में डालो और पी जाओ, कोरोना के वायरस बॉडी में घुस ही नहीं सकते. हमारे घर में वैसे ये चल रहे हैं टोटके, कोरोना वायरस को शॉर्ट स्टोरी कोरोना वायरस बना दिया है. पापा फेक न्यूज है ये, कौन वैद्यराज हकीमुद्दीन? सारी दुनिया के डॉक्टर्स लगे हुए, उनको इलाज मिला नहीं, इसको मिल गया हकीमुद्दीन को इलाज. पापा इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक. मतलब मुलेठी पीने से हम बच नहीं सकते? नहीं, 12.5 किलो मुलेठी का क्या करूंगा मैं? अरे पापा आपने इतनी मुलेठी मंगा के क्यों रख ली? बोला था ना आपको कोई भी सामान स्टॉक मत करके रखो, सब कुछ मिलेगा, सारा सामान मिलेगा, दवाइयां मिलती रहेंगी, आप बस अपने घर से बाहर मत निकलो प्लीज. बेटा ऐसे डर के घरों में बंद होकर तो नहीं रह सकते है ना? अच्छा अभी बाहर गोलियां चल रही होती तब तो आप घर में बैठते ना. पापा बाहर एक जंग छिड़ी हुई है, पूरा वर्ल्ड एक इनविजिबल दुश्मन से लड़ रहा है. इस वायरस को हम तभी हरा सकते हैं जब हम घर में बैठेंगे. तो पूरे इंडिया को क्यों लॉकडाउन कर रहे हो? जो बीमार है उनको लॉकडाउन करो ना, उनको बैठाओ घर में,
और जो भले चंगे हैं उनको काम करने दो अपना। पापा वही तो प्रॉब्लम है, इन्फेक्टेड इंसान को खुद को नहीं पता होता कि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड है। इस वायरस के सिम्टम्स काफी दिनों बाद दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर वायरस हो लेकिन मुझे कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चले कि मेरे अंदर वायरस है। हाँ, और इस दौरान आप जिससे भी मिलोगे जाने अनजाने में उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हो। क्या बात कर रहा है प्रणव, मैं तेरी मम्मी को बाथरूम बंद करके आ रहा हूँ। क्या सबक क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, वापस आके बैठो। बेटा तुझे पता नहीं है मैं परसों पूरा 3 बार खांसा था, मैं तो मौत की मुंह में जा ही रहा हूँ। तेरी मम्मी को मेरे चक्कर में कुछ नहीं होना चाहिए, कसम खा अपनी मम्मी का ख्याल रखेगा। और तेरे मैंने मस्जिद बनाई है उसमें तेरे नाम की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, JI की जगह JEE। एक मिनट बाबा, आप थोड़ा बैलेंस में रहो ना, या तो आपको कुछ नहीं हुआ सीधा मरी जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोरोना वायरस हो भी गया तो डरने की बात नहीं है, हेल्पलाइन को कॉल करो, डॉक्टर्स आपको पूरा गाइड कर देंगे। मेजोरिटी केसेस में लोग फुली रिकवर कर जाते हैं। तो फिर सब इतना घबरा क्यों रहे? पापा घबराहट इस बात की कहीं मामा इतनी ना फैल जाए कि हॉस्पिटल के बेड कम पड़ जाए। वो कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो अभी सभी मछलियों को अपने अपने एक्वेरियम में रहना है ताकि बीमार मछलियों का इलाज हो सके और तालाब फिर से साफ हो सके। वो तो ठीक है यार, यार दोस्तों की रिश्तेदारों की बहुत याद आती है, मिलने का मन कर रहा है यार। हाँ तो पापा कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, इतनी सारी चीजें हैं, पर प्लीज घर से बाहर मत निकलो। पापा हो सकता है इस वायरस से आपको कुछ ना हो, पर किसी बच्चे को, प्रेग्नेंट औरत को या किसी और जीतू के पापा को ये बीमारी आपसे मिल सकती है। और हो सकता है वो जीतू इस बार इतना लकी ना हो, वो शायद अपने पापा से कभी मिल ही ना पाए। उस जीतू के लिए पापा प्लीज घर से बाहर मत निकलो प्लीज। और आप तो हमेशा की बातें करते रहते हो ना, हमेशा रोते रहते हो कि फिजिकल कट ऑफ क्लियर नहीं हो वरना मैं आर्मी में होता। इस वक्त देशभक्ति दिखाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है पापा, अपने घर में रहना बस। और इस टाइम पे आप जो भी बोलोगे ना, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी टेक्नोलॉजी वाले सवाल आप करते हो मैं सबके जवाब दूंगा बैठ के चुपचाप, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होऊंगा, प्रॉमिस। बेटा वो तेरे छोटू समझी वाली पुआ जी है ना, वो टिकटॉक पर आ गए हैं, 250 फॉलोअर्स हैं। मुझे टिकटॉक सिखाएगा? चलो निकल अभी फुर्सत है, बहुत बहुत उम्दा वीडियो है, निकल जाओ वीडियो यार, वीडियो माथे पे देख अपने उस टिश्यू लगा हुए था, वीडियो है, वीडियो अच्छी थी, काफी अच्छे मैसेज दिया, पर मैसेज भी अच्छा था। और जीतू और जितेंद्र जी बहुत गजराज जी बहुत फिट वीडियोस बनाते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, TVF का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि हम TVF की और रिएक्शन करें तो कमेंट में बता सकते हैं आप, नीचे जाके लिंक भी सारे नीचे हैं, जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तुझे कैसी लगी? ओवरऑल बहुत अच्छा एक मैसेज था। और टू बी ऑनेस्ट मेरी भी सेम ऐसी ही कन्वर्सेशन हुई अपने अब्बू के साथ और अपने दादा अबू के साथ, वो भी सेम इस तरह ही बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, और मैं भी कलौंजी मैं भी खाता हूँ जाना, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। और सबको पता ही है कि ये जो कोरोना डिजीज है इससे कैसे बचना है, यानी कि बचना ही है क्योंकि इलाज उसका कोई है नहीं है। तो बाकी अपने मुंह को हाथ कम लगाएं, थोड़ा चीजों को थोड़ा सा तरीके से रहें, अपना सफाई सुथराई का ख्याल रखें, जो कि सब कह ही रहे हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर रिव्यू ऑन द कन्वर्सेशन, कोरोना कन्वर्सेशन विद योर डैड बाय जीतू एंड गजराज जी। इफ यू रियली लाइक टू वॉच आर रिएक्शन प्लीज गिव अस अ बिग फैट थम्स अप। इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग और यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, लाइक ही बेसिकली आई एम एवरीवेयर, सिंपली सर्च NABLSZ एंड यू विल फाइंड मी। सुन टिकटॉक पे मेरे 150 फॉलोअर हो गए, अपन का भी आ रहा है भी आ रहा है। तो नहीं डेट अकाई दाई करोड़ डेट ढाई ढाई कितने होते हैं 250 ढाई करोड़ मेरे
ढाई फैन होंगे 2.5 करोड़। सो आप लोग जाके हमें टिकटॉक पे भी फॉलो करो, 2.5 करोड़ ही है मेरे, 2.5 करोड़ ही लाख है, कितने है? 250K कितने होते हैं? 2.5 लाख होते हैं, लाख होते हैं, करोड़ पता है कितना? सॉरी नहीं पता यार, इतना अच्छा कैलकुलेशन, 2 लाख होता है तो 1 करोड़ होता है। चल करोड़ के चाचे। यू कैन ऑल्सो क्लिक टू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑल्सो क्लिक टू वॉच आर अदर वीडियोज। बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।